और बात करते हैं डिंडौरी की, जहां सिटी कोतवाली में एक अनोखा मामला सामने आया। शिकायत के मुताबिक एक युवक अपनी नई नवेली दुल्हन को बाइक में बिठाकर परीक्षा में शामिल कराने कॉलेज आया, जहां पेपर देने के बहाने कॉलेज के अंदर गई पत्नी प्रेमी के साथ शताब्दी एक्सप्रेस की तरह 9:11 हो गई और पति परमेश्वर गेट पर पत्नी को ताकते ही रह गए। सीधे तौर पर कहा जाए तो पति को गुमान भी नहीं था कि बेवफा पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। बाद में सच्चाई से पर्दा उठा और साफ हो गया कि पत्नी कॉलेज के पीछे वाले गेट से चंपत हो गई। बहुत देर इंतजार और खोजने के प्रयासों के बाद युवक ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस अब साइबर सेल की मदद से गायब पत्नी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक समनापुर थाना क्षेत्र के घाटा गांव के निवासी युवक गणेश उइके का विवाह अनूपपुर जिले के बेनीबारी थाना क्षेत्र के हर्रा गांव की यशवंती परस्ते नेहा नाम की लड़की से 28 मई को सामाजिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था। दोनों ने जीने मरने की कस्में भी खाई थी। नई नवेली पत्नी डिंडौरी में संचालित महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने की बात कहकर युवक के साथ 11 जून को बाइक से चंद्रविजय कॉलेज पहुंची, जहां पति ने पत्नी को कॉलेज के पास छोड़ दिया और उसके परीक्षा के बाद वापस लौटने का इंतजार करने लगा। परीक्षा का समय बीता पर पत्नी नहीं लौटी, तब जाकर उसने सिटी कोतवाली पुलिस में पत्नी के भागने की शिकायत दर्ज करवाई। युवक के मुताबिक शादी के पूर्व दोनों मिले थे और पत्नी ने बताया था कि उसके किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध नहीं है, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। वहीं पत्नी की बेवफाई से परेशान युवक का कहना है कि युवती ने उसके साथ विश्वासघात किया है, पहले बता देती तो वो शादी ही नहीं करता। उसका कहना है कि समाज में हमारा नाम खराब हुआ है, जिससे गुस्साए पति ने युवती को चेतावनी दी है कि वो जेवरात वापस कर दे और अब वो किसी भी कीमत पर युवती को अपने साथ में नहीं रख सकता है। मामले में युवक गणेश ने बताया कि उसकी पत्नी 2 लाख के जेवरात पहने हुई भाग गई। इस मामले में थाना प्रभारी सीके सिरामे का कहना है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है कि पत्नी को पेपर दिलवाने ले गया था और वहां से वो गायब हो गई है। युवती की मोबाइल के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज़।